जहां पर एसडीएम ज्योति मौर्या ने अभी तक ससुराल वालों के साथ साथ अपने पति आलोक मौर्या पर आरोप लगाए थे। कहा था कि शादी के वक्त आलोक मौर्या के परिवार ने झूठ कहा था कि वो पंचायत में कोई बड़ा काम करते हैं, लेकिन यहां पर वो तो सिर्फ एक कर्मचारी निकले, वो भी सफाई वाले। ऐसे में उन्होंने कहा कि वो अब अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती, वो अपने पति से आलोक से तलाक लेना चाहती है क्योंकि उन्हें अब अपने पति के साथ नहीं रहना। और उन्होंने ससुराल वालों पर आरोप भी लगाया था कि उन्हें किस तरह से दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था और कैसे उन्हें परेशान किया जाता था, और इस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है और इसी वजह से वो पति से अलग भी होना चाहती है। ऐसे में जहां पर ज्योति मौर्या का मामला तूल पकड़ रहा था, तो वहीं कूद पड़ी ज्योति मौर्या की जेठानी शोभना मौर्या, जहां पर उन्होंने ससुराल वालों पर कई आरोप लगाए, यहां तक कि ससुराल वालों के साथ लोगों पर FIR दर्ज भी करा दी, जिन पर केस चल रहा है। अब खबर ये है कि ज्योति मौर्या की जेठानी शोभना मौर्या सबसे बड़ा झूठ बोल रही है, जिसके बारे में खुद ससुराल वालों ने चौंकाने वाले खुलासे किए। दरअसल दावा ये किया जा रहा है कि यहाँ पर जैसे ही SDM ज्योति मौर्या का केस तूल पकड़ने लगा, तो जेठानी शोभना मौर्या को भी लगा कि अगर इस केस में वो भी कूद जाए तो उनका नाम भी हर जगह पहुंचने लगेगा और खबरें उन पर भी बनने लगेगी, और इसी वजह से उन्होंने ससुराल वालों पर झूठा आरोप लगा दिया ताकि उनके बारे में भी लोग जाने कि आखिर शोभना मौर्या कौन है और वो क्या कर सकती है। ऐसे में ससुराल वालों ने खुद यहां पर अपनी बड़ी बहू यानी कि शोभना मौर्या के बारे में पुलिस के सामने खुलासे किए और बताया कि किस तरह से शोभना मौर्या ने झूठ कहा है सिर्फ और सिर्फ जनता के बीच आने के लिए और अपनी एक नई पहचान बनाने के लिए। उसके पास कुछ नहीं था, अगर ऐसा ही था, इतने सालों से वो शादी कर रह रही थी, तो वो पहले भी आरोप लगा सकती थी या फिर शोभना मौर्या ज्योति मौर्या के साथ मिलकर पहले भी केस कर सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं किया। जैसे ही ज्योति मौर्या SDM बनी और उसका केस सामने आया और उस केस ने तूल पकड़ी, वैसे ही शोभना मौर्या ने भी झूठ बोलना शुरू कर दिया। तो ये है पूरी खबर, जहां पर ससुराल वालों ने शोभना मौर्या को झूठा बताया और यहां पर जनता के बीच अपनी नई पहचान बनाने के लिए इस तरह के काम किए। नेक्स्ट टाइम लाइव की रिपोर्ट।